फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास सब्जी। जब सब्जी कोई घर पर नहीं दिखती है तो इस तरीके से हम बनाएंगे कुछ खास और नई सब्जी। तो हम बनाएंगे सोया कीमा। सोया कीमा घर पर कैसे बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तो कीमा बनाएंगे हम सोया कीमा, तो चलते हैं करते हैं उसकी तैयारियाँ। तो हमने ले लिया एक बॉल, बॉल में हम डालते हैं, गर्म पानी कर लिया था तो मैंने उसमें गुनगुना पानी में सोयाबीन की बड़ी है ना डाल दी है, तो बड़ी मैंने डाल दी है सोयाबीन। तो जब तक थोड़ी सी फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगी हल्की सी, तो उनको निकाल लेते हैं। और मैंने निकाल लिया इनको। अब इसमें ठंडा पानी डालकर, मतलब पहले इसे पानी डालकर साफ़ करें, धो लेंगे इसको, फिर ठंडा पानी डालकर इसे रख देंगे। और अब इसको हम कर देंगे साफ़, निचोड़ निचोड़ कर इसका पानी निकाल, दबा दबा कर, मतलब पानी इसका निकाल देंगे हम। पानी दबा, सारा पानी हमें निकाल देना है। और सोयाबीन बड़ी हम एक साइड में रख देंगे। तो एक प्लेट में निकाल कर अब इसे हम महीन सा बारी पीसना है, मतलब हल्का ददरा पीसना है। तो इसे ग्राइंडर में हम डालते हैं। तो हमने पीस कर निकाल लिया, हल्का ददरा ही पीसा, महीन बारीक नहीं करना है, जिससे कि सोया कीमा ना अच्छा बने एकदम। तो देखिए, और मैंने मसाले हैं जो सामग्री जितनी है सब ले लिए हैं। सोया कीमा बनाने के लिए मैंने सोया को ददरा पीसा है, और मैंने ले ली है काली मिर्च और दालचीनी की लकड़ी है, और लौंग वगैरह सभी चीज़ मैंने ले ली है। और मैंने लिया धनिया, जीरा, और मैंने लिया गरम मसाला और हल्दी। मैंने कटा हुआ बारीक प्याज ले लिया है, मोटा प्याज काटा है, और अदरक लिया है मैंने इसे बाद में सजाने के लिए, इसका भूनकर इसके तड़का लगाएंगे। तो मैंने अदरक बारीक काटी, हरी मिर्च भी ली है तड़का के लिए, और मटर है, लहसुन है कुटा हुआ, और है अदरक, काली मिर्च है, धनिया है, हरा धनिया काट के बाद में डालना है इसमें। मैंने ली है अदरक, अदरक को मैंने घिस लिया है, और मैंने लहसुन भी घिस लिया। दही चाहिए मुझे लगभग बड़ी 4 चम्मच में दही लिया है, आधी कटोरी। और टमाटर मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। तो सभी चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अगर कोई भी चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ इसमें भूल गए हैं सामग्री बताने के लिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो देखिए, हमने जो इलायची है और लौंग है और जो क्या कहते हैं लाल लाल सा फूल सा, वो मैंने डाल दिया है। और मैंने अब लहसुन जो कटा था, लहसुन अदरक, मैंने वो भी पेस्ट डाल दिया है। लसवंती का फूल कहते हैं वैसे शायद इसे, जो मैंने लाल लाल डाला है। और लौंग, इलायची और दालचीनी की लकड़ी वगैरह सभी मैंने इसमें डाल दी है। तो अब हम इसे प्याज डाल देते हैं। जब तक लहसुन हल्का ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद अब हम टमाटर, जो मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे से कट किए थे, क्योंकि ना जो जल्दी गल जाते हैं ना टमाटर, जो बड़े से लंबे कट करते हैं शेप में तो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने इनको लंबा सा कट किया है। और देखिए, अब इनको थोड़ा सा देर, थोड़ी देर पकाते हैं। और पकाने के बाद देखिए, टमाटर एकदम गल चुके हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, और मैंने ली है इसमें धनिया, 1/2 चम्मच मैंने धनिया भी लिया है इसमें। और देखिए, मैंने और थोड़ा सा चुटकी, 2 चुटकी मैंने इसमें गरम मसाला डाला, मैंने 1/2 चम्मच से कम मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और मैंने 1/2 चम्मच से कम मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। तो मिर्च आप जैसा चटपटा खाएं, ये स्पाइसी, आप वैसा मिर्च इसमें डाल सकते हैं। तो मिर्च हम कम खाते हैं, इसलिए मैंने कम मिर्च ली है इसमें। तो देखिए, इसको ढककर हमने पका लिया। आप देखिए, मैंने इसको खोल के दिखाया है, तो मसाला भुन चुका है इसका, क्योंकि ऑयल बाहर निकल चुका है। जब मसाले में से ऑयल बाहर निकल जाता है तो समझ लीजिए मसाला भुन चुका है। तो मसाला भुनकर हो गया रेडी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद अब इसमें दही को ऐड कर देते हैं। दही को मैंने फेंट लिया था पहले। आप दही को अगर डालें तो फेंट कर ही डालें। और देखिए कि मसाला जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें दही को ऐड करना है, क्योंकि गर्म में अगर दही ऐड कर देंगे तो दही ना फट जाता है। इसलिए मसाले को थोड़ा ठंडा गुनगुना करके ही दही को ऐड करते हैं। और दही को ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं। तो पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं मटर, जो मैंने मटर रखी थी ना, तो मैंने मटर इसमें डाल दी है। तो मटर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ढक देते हैं, जिससे कि मटर ना अच्छी तरीके से थोड़ी सी पक जाए उसमें। तो मटर को चला देते हैं और हम इसे पकने देते हैं। तो देखिए, मटर है ना पक चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। तो मटर पकने के बाद अब इसमें हम तो नमक को ऐड करेंगे। तो नमक तो हम डाल देते हैं, क्योंकि नमक भूल जाएंगे, इसलिए नमक हम डाल देते हैं इसमें अब पहले ही।
तो मसाला भी भुन चुका है। मसाला भुनने के बाद नमक मैंने इसलिए डाला कि मसाला तले में चिपकता नहीं है। तो मसाला परफेक्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम सोयाबीन जो मैंने रखी है, सोयाबीन कीमा के लिए जो मोटी मोटी सी ददरी पीसी, तो मैं इसको ऐड कर देते हैं अब इसमें, क्योंकि अब समय आ गया है इसमें ऐड करने का। तो हमने इसे ऐड करके अच्छी तरीके से चला लेते हैं। अब इसमें लगभग हम डालेंगे एक गिलास पानी, एक गिलास से मतलब थोड़ा कम डालेंगे। तो हमने इसमें पानी को ऐड कर दिया और उसे हम अच्छी तरीके से चलाएँगे, और जब तक मतलब इसे थोड़ा सा बनाएंगे ढककर, जब तक पानी मतलब उसमें सोख ना जाए। तो पानी जब बिल्कुल सोख जाएगा हल्का सा, तो हम इसे चलाने के बाद इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे, जिससे पानी और भी ज़्यादा सूख जाए और थोड़ा सा लिपटा हुआ हमारा जो है सोया कीमा बिल्कुल तैयार हो जाए। तो सोया कीमा बिल्कुल हो गया रेडी और मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब हम इसके वो करते हैं थोड़ा तड़का लगाने की तैयारी। तो तड़का लगाने से पहले थोड़ी सी तैयारी रह गई थी, मतलब थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने उसमें दालचीनी की लकड़ी जो है फूल लजवंती का फूल होता है और लौंग्स वगैरह लौंग्स डाली थी लौंग, तो मैंने सभी चीज़ में निकाल दी, क्योंकि वो दांत के नीचे आएंगी तो स्वाद बेकार हो जाएगा मौका। और जो है ना उसमें इसका स्वाद तो मसाले में चला गया है, तो अब इसे हम निकाल देते हैं। तो हम तड़के की तैयारी करने के लिए मैंने घी डाला है कटोरी में, उसमें जो कटी हुई लंबी लंबी सी अदरक थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है, और डालने के बाद गैस थोड़ी सी हो गई थी तेज़, तो मैंने इसको बंद कर दिया था तब तक। तो अदरक है ना पका लेते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, तो हम इसमें तड़का मारेंगे। तो तड़का देखो मैंने अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ी सी लाल चिली मिर्च है ना तो वो उसमें डालकर और से अच्छी तरीके तड़के को लगाते हैं। और मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, किसी भी चीज़ में धनिया डालो तो खुशबू तो आती है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा स्वाद भी आता है, लुक भी अच्छा आता है देखने में सब्जी में। तो देखिए मैंने इसमें अदरक ऐड कर दी है, मतलब अदरक वाला जो तड़का वो भी मैंने डाल कर इसके चला देते हैं। तो देखिए और अब हम करते हैं दूसरे तड़के की तैयारी। तो हम इसको पहले सर्व कर लेते हैं, तो उसके बाद तड़का लगाएंगे अब प्लेट में। तो मैंने इसको प्लेट में ले लिया है और प्लेट में अच्छी तरह लगाने के बाद हम इसमें दूसरा तड़का लगाएंगे। तो देखिए दूसरा तड़का हम लगाते हैं हरी मिर्च से। हरी मिर्च का तड़का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मिर्च तली हुई ना आप किसी भी सब्जी के साथ खाइए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने मिर्च को तल लिया है तड़के के साथ में, मतलब घी के साथ में, और लाल चिली पाउडर इसमें भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और जिससे कि कलर सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली है ना कीमा तैयार हो चुका है। पी आ जाइए और थाली हो गई है लगकर रेडी। तो आप इस सोया कीमा को किसी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे तैयार हो गई थाली। तो जिसमें अगर कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे तो परफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो देखिए अब हम आपको बारीकी से दिखाते हैं, बिल्कुल अचार जैसा लग रहा है और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप अपने घर पर इस तरीके ज़रूर ट्राई करिए और खाइए। और जो है ना सोयाबीन जो बनाई है मैंने इसको कीमा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्थी भी होता है साथ में, वो तो आपको बताने के लिए भूल ही जा रहे थे। और बच्चे जो सोयाबीन नहीं खाते हैं सब्जी, वो आप बच्चों को इस तरीके बना के खिला सकती हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो आप इसे खाकर बताना ज़रूर कमेंट करके और लाइक भी कर देना, और हम चलते हैं। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और ना पसंद आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। तो और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि अगले आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन तो आप साथ में दबा दीजिए, तभी वीडियो आपके पास न्यू वीडियो ना पहुंच सकेंगी। और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करोगे तो उनके पास भी हमारी न्यू वीडियो पहुँचेगी। और आप लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत के लिए लाइक तो बनता ही है। तो आप लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। और कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप उसे कमेंट करिए, और कोई भी रेसिपी आपको बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें डाल सकते हैं, तो कमेंट देखने के बाद हम उसे रिप्लाई में आपको जवाब देंगे और वीडियो बना के जरूर डालेंगे।
तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक